नींद हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन हम में से काफी लोगों को अच्छी नींद आती ही नहीं है। इस नींद ना आने के कारण तो काफी हो सकते हैं, बट सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी ही नहीं है, काफी सारे मेडिकल रीजंस की वजह से भी अच्छी नींद नहीं आती है। इसका कारण एक मेडिकल कंडीशन स्लीप एपनिया भी हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में और। स्लीप एपनिया इज अ कॉमन कंडीशन इन विच योर ब्रीदिंग स्टॉप्स एंड रीस्टार्ट्स न्यूमरस टाइम्स व्हाइल यू आर स्लीपिंग, व्हिच कैन प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। इंडिया में एस्टिमेटेड 30 मिलियन पीपल मे हैव स्लीप एपनिया, with the majority of cases that are undiagnosed. Globally, the number of people with sleep apnea is estimated to be in the hundreds of millions, with prevalence increasing in developed countries. चलिए देखते हैं sleep apnea के कौन से types होते हैं। There are three main types of sleep apnea. Number one, OSA. Number 2, CSA, and number 3, a combination of OSA and CSA. Obstructive sleep apnea, iska cause hota hai physical obstruction of the airway. Central sleep apnea, iska cause hota hai ki brain proper signals transmit nahi kar pata hai to the muscles that control breathing. Complex sleep apnea. This is a combination of both OSA and CSA. आइए चलिए देखते हैं sleep apnea के symptoms. Excessive daytime sleepiness. Loud snoring that is often interrupted by gasping or choking sounds. Headaches in the morning that may persist for several hours after waking up. Dry mouth, सोने से उठने के बाद. ऐसी नींद जिसमें आपको बार बार रात को उठना पड़ता है और आपको काफी बार नींद भी नहीं आती है. और इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है. स्टेप नंबर 1, गेट अ स्लीप स्टडी टेस्ट डन. क्या आपने अपना स्लीप स्टडी टेस्ट कभी करवाया है? स्टेप नंबर 2, आपकी स्लीप स्टडी टेस्ट के बेसिस पे आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9876978488 पर।